सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए एक और नई वीडियो के साथ। थोड़ा नए एंगल से वीडियो बना रहे हैं आज। तो इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं व्हील कैप। अभी एलॉय का थोड़ा बजट थोड़ा कम है तो इसलिए हम व्हील कैप बना रहे हैं, पर व्हील कैप भी एलॉय की फील देने वाला मंगवाए हैं मैंने। और दिखाते हैं, आ जाओ भाई, निकालते हैं। ये वैसे लोकल कंपनी है कोई, कैट व्हील्स। मैंने ये अपना कश्मीरी गेट से लिए हैं, बाहर आ गया। ठीक है, इस रखते हैं। भाई डस्टबिन में डाल दूंगा, चिंता मत करना। भाई देखो, ये व्हील की क्वालिटी है कुछ, ठीक है। थोड़ा सा हाँ वही बात है ना कि अगर लोकल लेते हो, क्योंकि बहुत सस्ते प्राइस में मिली हैं कंपेरेटिवली अगर हम ऑनलाइन देखें तो, इसलिए पेंट में थोड़ा इधर उधर है। तो यहाँ भी देखो सिल्वर पेंट है ना, तो ये चीज़ें इसमें हैं, बट क्वालिटी डिसेंट है यार। कोई इतना पुरानी व्हील कैप ही तो है, पर हाँ ये चलते में बहुत बड़े लगते हैं। ये देखो घूमेगा, घूमते बड़े लगता है भाई, मज़ा आएगा। बाकी लगा के देखते हैं क्या लगता है। देखो इसमें और क्या निकलता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ वायर्स निकलते हैं, ठीक है। अब इन वायर को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो तो अभी देखते हैं, बताता हूँ। भाई ये ऐसे वायर आ जाता है, इधर लिया, ये लिया, पूरे में टाइट कर दो उसे। अभी टाइट हो गया भाई, टाइट तो हो गया, बड़ा मुड़ गया। लेकिन ये पता नहीं फ्लेक्सिबल होता है क्या, ये नहीं टाइट रहता है, ठीक है। ऐसा व्हील कैप मैं पहले यूज़ करूँगी, जैसे मेरे व्हील कैप है ना। ये देखो, ये दिखाता हूँ, ये है मेरे नट वाले। तो पता नहीं है, इसका पहले यूज़ करके देख रहे हैं, सोच रहा हूँ खुद ही लगा के देख लेते हैं। पहले नहीं लगे तो किसी से ज़रूर लगाएंगे। तो चलो सीधे मिलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर, इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको सीधे। अच्छा कट भी दिया हुआ है यार, बाल के लिए ये कट दिया हुआ है, यहीं पे अपना लगेगा। तो चलो सीधे इंस्टॉलेशन में मिलते हैं। पहले नट खोल लेते हैं, क्योंकि नट खोलना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी भाई। तो नॉर्मली अपना जैसे निकालते हैं, स्टेपनी चेंज करते हैं ना, वैसे खोल लो, फिर इससे खोलो भाई, इससे खोलेगा। स्टेपनी खोल लो, अपना ये पुराना व्हील कवर निकाल लो। जैसे मेरे में तो ये इस तरीके से आते हैं नट वाले, तो ऐसे खोलना पड़ेगा। ठीक, ग्रैंड i10 है तो आपके पास, अदरवाइज ऐसे ही खुल जाता है। तो वैसे ही व्हील का कैप होता है, अपना हटा देना, ये लगा देना व्हील कैप। वायरिंग का इसका तरीका मैं बताऊँगा, थोड़ा वायरिंग कन्फ्यूजन है, हमें दूर हो गया कन्फ्यूजन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको दिखाया, उस तरीके से नहीं लगेगा वायरिंग, देखो दूसरे तरीके से लगेगा। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो वायरिंग इस तरीके से लगेगी। इसमें ये अंदर लगेगी, जैसे मैंने बाहर लगाई थी ना, यहाँ पर इस साइड नहीं, इस साइड नहीं, अंदर लगेगी। अंदर की साइड से हार्ड रहेगा ऐसे, ठीक है ना। सो वायरिंग जो होगी इसकी इस तरीके से होगी, अंदर से, अंदर से हमें इंसर्ट करना है ऐसे प्रॉपर, इजीली होता है। ब्रैकेट बने हुए इस तरह से, ये देखो, तो ब्रैकेट बने हुए ना, इन ब्रैकेट में फंसा देना है ऐसे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली हो जाता है ये, ठीक है। ज़्यादा अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने खोल लिया है, ये अभी गंदा हो रखा है, ठीक है। इसे साफ़ कराएंगे, क्लीन कराएंगे, है ना, धुलवाएंगे अभी गाड़ी को। देखो ये बाहर आ गया, नट बोल्ट खोलते बाहर आ गया। अब हम एज इट इज़ नट बोल्ट वापस कस देंगे। वो व्हील के आगे के गंदे हौसले हो जाते हैं, जो आगे डिस्क होती है, डिस्क जलती है तो वो गंदे हो जाते हैं। अरे इसमें ख़राब क्यों कर रहा हूँ, यो होंडा जेन्युइन है, लोग घिस दिए मैंने। और कोई नहीं, ये ऐसे भी टूट गए थे, ठीक है। तो प्रॉपर ऐसे फिटिंग हो जाएगी, वापस हमें कस लेने हैं। फिर इसे धुलवा के इस पर ब्लैक स्प्रे जरूर मारना है, ग्लॉसी ब्लैक, तभी अच्छे लगेंगे, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा। सो मिलते हैं सीधे इसके वॉशिंग पे, वॉशिंग करा के फिर मिलते हैं। तो गाड़ी हमारी धुल चुकी है। सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मेरा तो पूरा ब्लैक है, ठीक है, बट इसमें जैसे निशान से या वाइट वाइट है, इस पर हमें एक कोट पेंट मारने होगा। ये ब्लैक पेंट है मेरे पास हाँ, बट हाँ अगर आपके पास ये सेम ब्लैक वाला नहीं है तो आपको उसे ब्लैक करना, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज असली मज़ा नहीं आएगा। इसमें करना स्प्रे करके नॉर्मली अपना इसे ला के कर लेना, स्प्रे पूरा अच्छे से कर देना, जिससे कि कहीं वाइट वाइट स्पॉट भी दिख रहे हैं ना, ये ना दिखेंगे धुलवा के। लेकिन तो धुलेगी नहीं गाड़ी तो मज़ा नहीं आएगा, निशान छूट जाएंगे, ठीक है ना। मेनली इधर इधर जरूर मारनी है आपको, ये दिखेगा पोर्शन, इनका इतना मारो ना मारो चलेगा, बट ये मत छोड़ना। ये वाली एज ये थोड़ी बहुत दिखती है, ठीक है। सेम अब देखो ये हो गया पूरा ब्लैक, इसमें उसमें फ़र्क देखो आप, ठीक है ना। सेम सारे ही ऐसे कर लेना, उसके बाद ही व्हील कैप लगाना। तो दिखाते हैं सारे, पहले पेंट कर लेता हूँ उसके बाद मिलते हैं फिर, ठीक है। सो फाइनली पेंट हो चुके हैं अपने चारों, ठीक है ना। थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करें। ये देखो पूरा ग्लॉसी ब्लैक वाला फील है ना। सो देखो इसे इंस्टॉल कैसे करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें कट दिया हुआ है ये वॉल के लिए, इधर अपना है स्पेस वॉल पर, तो हमें ये इधर रखना है वॉल पर पार्ट पे, देख रहे हैं ना। फिर प्रेशर से धक्का देना है अंदर की साइड। अभी देखो पूरा यहाँ पे प्रेशर दे दो, पूरा सेट हो जाएगा अंदर। मैं ऐसा फिट फिक्स करके फिर बताता हूँ, सिंगल हैंडेडली वीडियो बना रहा हूँ, कोई है नहीं मेरे पास अभी, तो फिट करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको। सो फिटिंग प्रॉपर फिट आया है और बहुत बढ़िया फिट आया है, उम्मीद से बढ़िया फिट आया है, ठीक है। हाँ लगता तो है कि भाई देखो कि एलॉय नहीं है, बट हाँ वो तो ऑब्वियसली तो जब एलॉय है नहीं तो लगेगा ही यार। बट हाँ यार जो बेसिक अपने होते हैं उससे तो अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो स्टॉक लगे होते हैं ना ब्लैक कलर के, तो मैंने आपने देखे होंगे वीडियोज़ में, ठीक है, उनसे मुझे ये बेटर लग रहा है। एलॉय नहीं सही, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एलॉय है, बट हाँ चलते में पक्का अच्छे लगेंगे। चलते हुए कि वीडियो दिखाऊंगा, पहले देखो सारा इंस्टॉलेशन देख लिया आपने, नट टू नट दिखाता हूँ। देखो आपको प्रॉपर फिटिंग आई है, देख रहे हो ना। अब पूरा इतना हार्ड है इतना ज़्यादा बाहर भी नहीं आएगा। देखो लिटरली मैं पूरा खींच रहा हूँ उसे, अब मुझे ये भी नहीं पता लेकिन बाहर कैसे आएगा क्योंकि निकालना तो पड़ेगा। तो मैं भी डायरेक्ट खींच के निकलता हूँ जैसे भी, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, फिट हो गया। सारे में चारों में टायरों में लगा के दिखाता हूँ आपको, फिर देखते हैं कैसा लुक आता है इसका एक्चुअल। तो रेडी हैं आप फाइनल लुक देखने के लिए, तो हियर वी गो। तो भाई ये है हमारी गाड़ी का फाइनल लुक। आप खुद ही जस्टिफाई करके बताना कितना बढ़िया लग रहा है आपको या नहीं लग रहा, जैसे भी आपको रियलिटी में लग रहा है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, जो और भी लोग ने कर रखा है नो डाउट, बट शायद मे भी ग्रैंड आइटम के साथ नहीं कर रखा लोगों ने। मैं इतनी वीडियो वगैरह तो नहीं देखी इसकी, बट हाँ आप बताओ कि ये कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ब्लैक से ब्लैक मैच हो गया, इसलिए बैकग्राउंड दिखेगा नहीं इतना। हाँ पास से आप देखोगे जरूर दिखेगा, बट दूर से नॉर्मली ये एलॉय ही लगेगा, ठीक है। सो यही कुछ फाइनल लुक है इसका। मैं अभी वॉकिंग की इसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, वो लास्ट क्लिप है, वो और देख लेना आप। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो भी आपको क्वेश्चनिंग है या कुछ कंप्लेन है आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ, मैं उससे वर्क करूँगा। सो आप सीधे देखिएगा इसका फाइनल लुक और फिर मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय। वॉकिंग व्यू जरूर देख के जाना इसका, जो अपना अब ये वॉकिंग व्यू बनाऊंगा इसका, जो गाड़ी चलते हुए कितना बढ़िया व्यू आता है इसका। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. For long